डेवलपमेंट इसको लेके बात कर रही है आप, क्या लगता है डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, ये आप भी देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है। अभी भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, सड़कों के लिए तरस रहे हैं, टैंकर बुलाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये तरक्की हो रही है? ये तरक्की नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आज, मैं इसीलिए आपके सामने डी साहब से अपील कर रहा हूँ और मैं खुद भी कल डी साहब से मिलूंगा। मैं इस पर देखूंगा क्या मसला है, सिंगू नारबल में क्यों ये प्रॉब्लम है। मैंने जो यहाँ वादे किए इन वादों पर मैं खड़ा हूँ। मैं कल से इस पर मैं आपके माध्यम से भी डी साहब से अपील कर रहा हूँ और तहसीलदार काकपोरा से, जहाँ इतनी यहाँ गवर्नमेंट लैंड है तो क्यों नहीं इन बच्चों को प्ले ग्राउंड आज तक मिला? बाकी भारतीय जनता पार्टी कोई टन नहीं कह रहा है सर। अभी भी लोग परेशान है, अभी भी महकमा माल के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप जहां बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई है, आप मुझे बताइए लोगों ने नाजायज कब्जे करके रखे हैं सड़कों के ऊपर, पलों की बात करेंगे उनका नामो निशान नहीं है। आपको नहीं लगता है तहसीलदार पटवारी गिद्धारी सब सब सोए हुए हैं, बर वक्त कार्रवाई नहीं हो रही है? और आपको लगता है ऐसे ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बर वक्त कार्रवाई ना करें? देखिए उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारा तहसीलदार काकपोरा है उसके पास दो चार्ज है, एक तो राजपोरा दूसरा तहसीलदार। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके माध्यम से डिवकाम साहब भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो काकपोरा की कुर्सियां में खाली है यहाँ पूरी तौर तहसीलदार को लगा दीजिए, क्योंकि लोग सफर कर रहा है, क्योंकि पटवारी भी टस से मस नहीं हो रहा है। मैं डी साहब से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से, तहसील काकपोर में तहसीलदार होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सफर न करे। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के सुंगनाथ में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब बरसात, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी है, क्योंकि आज आपने सिंगू नारबल इलाके का दौरा किया है, क्या मकसद है इस दौरे का? शुक्रिया आपका भी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्राम रखा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, मुझे कॉल आई सिंगू नारबल से, मैंने उनको बोला मैं आपके बीच में आऊंगा, मैं यहाँ सुनूंगा आपकी क्या ग्रीवेंस है। आज मैं यहाँ, जब मैं यहाँ पहुंचा सिंगू नारबल में जी, आज मुझे बहुत फील होगी जब ये छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने आए जो आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सरकार का यही मिशन है, पहले प्लेग्राउंड ये हर गांव में। बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है, आज जो ये छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने आए मुझे बहुत फील होगा, यहाँ सिंगू नारबल में देखने को मिला। बच्चों ने मुझे पहली डिमांड यही रखा प्लेग्राउंड के लिए। मैं आपकी चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम साहब, बहुत अच्छा डिप्टी कमिश्नर है, मैं उसको आपके माध्यम से ये अपील कर रहा हूं कल से ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, हर घर नल जल वो भी यहां देखने को नहीं मिला, मुझे पता नहीं चल रहा है पीएचई डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। मैं आपके माध्यम से डी साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन मसलों पर ध्यान दीजिए, पीएचई डिपार्टमेंट इनको नींद से जगाइए, इनको बोलिए यहां पर जाइए, यहां देखिए क्या मसला है। बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखकर आज आपको तरस आया, इससे पहले आप कहां थे? आपने इससे पहले इस इलाके का दौरा क्यों नहीं किया? ये कोई पॉलिटिकल टर्न तो नहीं है? ये पॉलिटिकल टर्न नहीं है, आपको भी पता है मैं एक हफ्ता देता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ऑफिस में। जब यहाँ से मैंने सुना, यहाँ से मुझे कॉल आई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब आप यहाँ आइए, आप हमारी फरियाद सुनिए, तब मैं यहाँ आया। क्योंकि मुझे यहाँ पे लोग आपको बुलाएं आप उधर ही जाएं, उससे पहले आप खुद नहीं जाएंगे? नहीं, खुद भी हम जाते हैं, मैं तो विजिट कर रहा हूँ। मैं कल भी पंपोर में था, आपने देखा होगा शायद, मैंने न्यूज भी डाला, हर हफ्ते के सैटरडे में पब्लिक ग्रीवेंस सुनूंगा, पंपोर में भी एक दिन दे दूंगा, क्योंकि ये पंपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है। आज नारबल पंचायत इलेक्शन आने वाला है, यूएलबी इलेक्शन आने वाला है, आप, मैं खासकर यूथ को दावा दे रहा हूं, आप पार्टिसिपेट कीजिए पंचायत इलेक्शन में, इनको ठोकर खाने की कोई जरूरत नहीं, इनको श्रीनगर जाने की कोई जरूरत नहीं, जब यहाँ का सरपंच बनेंगे इनको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट दफ्तरों में कितनी ट्रांसपेरेंसी आई आपके हिसाब से? बहुत सारी, आप भी देख रहे हैं सिंगू नारबल में जो मैंने ये हालात देखी, इंशाल्लाह कल से ही इस पर काम शुरू हो जाएंगे। सर अभी भी लोग परेशान है, अभी भी महकमा माल के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप जहां बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई है, आप मुझे बताइए लोगों ने नाजायज कब्जे करके रखे हैं सड़कों के ऊपर, पलों की बात करेंगे उनका नामो निशान नहीं है। आपको नहीं लगता है तहसीलदार पटवारी गिद्धारी सब सब सोए हुए हैं, बर वक्त कार्रवाई नहीं हो रही है? और आपको लगता है ऐसे ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बर वक्त कार्रवाई ना करें? देखिए
उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारा तहसीलदार काकपोरा है उसके पास दो चार्ज है, एक तो राजपोरा दूसरा तहसीलदार। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके माध्यम से डिवकाम साहब भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो काकपोरा की कुर्सियां में खाली है यहाँ पूरी तौर तहसीलदार को लगा दीजिए, क्योंकि लोग सफर कर, क्योंकि पटवारी भी टस से मस नहीं हो रहा है। मैं डीसी साहब से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके माध्यम से तहसील काकपोर में तहसीलदार होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सफर न करे। आपको मसला फिलहाल ही टैंकर योर डिपार्टमेंट दी में इंफॉर्मेशन इन क्या प्रॉब्लम शकर बहाल दयम मसलों वन में नमो बचो ग्राउंड ट्रांसफार्म त्रो ब्या तम खे लच फंड क्या गज सो प्लानस मे तम खुद एप्लीकेशन लिहाजा कर ट्रांसफार्म तुम तुम काम जे वन लाइट باقی چیز آسان مطلب خوف چیزان اگر لائٹ روزن لائٹ سن بلا خوف روڈ روڈ پرابلم روڈ تھو سو تھو سو تھو پلانس من بوجھوا مین چیز مین چیز کیا سان گام یل تہم نبر کن کھانا دراوی یل تہ فرنٹ کانس نیو ساری بیٹھ پاس پتہ مے کیا شستن یہ چھ ون لائس مے کیا شستن پاس کر زمین چھ اس یس وکس گورنمنٹ لینڈ چھ یتن چرے گاس چرے چھ ونا تاس مچ میون تہ ہتا کہ مطلب مے ما گس کان سایر نی ہوندا سایر میون تہ چھ تاس مچ مے چھ تتی آ گڈ کریو تہ مے نی پٹ صحیح گڈ ترا با جناب محترم سو کریو تہ کور از یہ نومن بچن یم گس نس دربہ در کتو مے کر پان برداشت بس گسان نیو بیس بیس تماش مگر اخ چیز یہ کس کر صبح یس گھن پرابلم روزن یہ کہ آ آواز یل بہ یل بکر یم سند خاطر کی پہل یل بکر جناب محترم میون شور روز تیل محفوظ تو جناب محترم سو ڈیمانڈ یہ کر تو کم اچھی سڑک تر زمین زمین گراؤنڈ باپت دور فون تی ونو تھی دپنو ہے سہ تک ونانس ناؤ ونکس چار نمبر یہ سا دل دل ہتا کہ تک یور زمین ونکس مطلب آب تور سو ہوش زمین تک مجھے ٹپر ونکس وسان باغ ٹوٹ باغ سن بچہ گھن یت پہ پریشان روزن بیچ ساروی کھت اچھا بوجھ پہ آب ٹینکر تو آب گاڑی۔